अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 160, चैप्टर 10, क्रिएटिंग एनिमेशंस इन फ्लैश CS3, ये चैप्टर का नेम है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन 4, मेंशन टू पॉइंट्स डैट शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग अ मोशन ट्वीन। कह रहा है कि आप मोशन ट्वीन बनाने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपने वो बताने हैं, ठीक है। तो मोशन ट्वीन क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू क्रिएट मोशन ट्वीन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ड्राइंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंबल। आपको सबसे पहले जो भी ड्राइंग है उसको सिंबल में कन्वर्ट करना होता है। सिंबल में चेंज करने से उसका साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है, और वो लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है। तो जब हम उसको मूवी में यूज़ करना चाहते हैं तो हम जहाँ पे दिल करें हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बार बार वो ड्राइंग यूज़ हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है, स्पेसिफाई द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस। आपने फर्स्ट पोजीशन चूज़ करनी होती है ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन चूज़ करनी होती है ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से लेकर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव करना है तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें मेंशन करना ज़रूरी होती हैं मोशन ट्वीन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।